चलिए जय हिंद दोस्तों, आज फिर हम नई शुरुआत के साथ आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के हमने दो वीडियोस डाले थे, तो एक वीडियो आज और डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड ये बहुत ज्यादा है कि सर मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, तो बच्चा इससे परेशान हो जाता है। आज हम उस चीज को समाप्त करेंगे। तो आप मेरे दो वीडियो पहले ट्रिग्नोमेट्री के देख चुके हैं, इसका मतलब शॉर्टकट पॉसिबल है। आज हम थोड़ा चलेंगे और मैक्सिमम मिनिमम में डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपका भविष्य में कभी भी मैक्सिमम मिनिमम गलत ना हो, यानी कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का दिया जाए आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर सके निकाल सके। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी इन्हीं की लिमिट ही हमारे लिए आगे काम करेगी। तो पहले हम इन टी रेशियोस की लिमिट जान लेते हैं कि इनकी लिमिट होती क्या है, यानी इनका अधिकतम मान क्या होता है, इनका न्यूनतम मान क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम लिमिट देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की लिमिट देखेंगे तो हमारा टेन, साइन और कॉस थीटा जो है, ठीक है, तो आपको पता है साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, यानी साइन +1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता है और कॉस -1 से छोटी वैल्यू, कॉस +1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता है। दोनों का मैक्सिमम है +1 और दोनों का मिनिमम है -1। बच्चे अगर हम टेन और कॉट की बात करें तो टेन और कॉट की जो लिमिट होती है वो हमारी -∞ से लेकर के कहां तक होती है, +∞ तक, यानी दुनिया के जितने भी रियल नंबर्स होते हैं यानी आर, वो सारे के सारे क्या हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, टेन और कॉट के अंतर्गत। अच्छा, अगर हम सेक की बात करें, अगर हम कॉसेक की बात करें तो इनकी लिमिट थोड़ी डिफरेंट होती है, बस यही एक खतरा है हमारे लिए। इनकी लिमिट डिफरेंट का सीन ये है कि इनका जो आंसर होता है -∞ से -1 और +1 से +∞ तक जाता है। इसका मतलब ये है कि सेक और कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच होती ही नहीं है, -1 से +1 के बीच होती नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। साइन कॉस जाएंगे -1 से +1, टेन कॉट जाएंगे -∞ से कॉट इनफाइनाइट, और सेक कॉसेक कहां जाएंगे, -∞ से -1 और +1 से +∞। तो आप इन लिमिट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए आगे ज्यादा बेनिफिशियल रहे, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको ऐसे क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ करके तो हमें लिमिट पता चल गई है, साइन की मिनिमम -1, कॉस की मिनिमम -1, टेन कॉस की मैक्सिमम +1, साइन की मैक्सिमम +1 और टेन और कॉट की मिनिमम होती है -∞, मैक्सिमम होती है +∞ और सेक और कॉसेक क्या होता है -∞ से -1 और +1 से +∞। तो प्रयास था कि आपको लिमिट सिखाई जा सके, आप सीख गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आया, एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि sec थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। sec थीटा का मान 1/2 है, तो थीटा का मान हमारे ऑप्शन दे दिए गए 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना, और none of these, इनमें से कोई नहीं, and the last option is your C and D, cannot determine. sec theta equal to 1/2 दिया गया और हमसे पूछा गया 1 theta की वैल्यू क्या आएगी। लड़का जल्दबाजी में था, वो sec को cos समझ गया और 60 में तुक्का मार के चला गया। कई सारे बच्चों ने किया, इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चों को आ नहीं रहा था, इसका मतलब ये था कि बच्चों को जल्दबाजी बहुत थी, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा सरल होता ना वहाँ जल्दी उतनी ही ज्यादा होती है, होती कि नहीं होती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, यानी इसका सही आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपको मैंने sec की लिमिट पढ़ाई, तो मैंने कहा कि sec की लिमिट होती है -∞ से -1 और +1 से +∞। हमने आपसे कहा कि -1 और +1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको जरा डिवाइड करेंगे तो क्या 0.5 नहीं मिलेगा आपको। अब बताओ क्या -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं है, है कि नहीं है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं आएगा, सी एंड डी आएगा, यानी कैन इसे हम हल ही नहीं कर सकते हैं, हम थीटा निकाल ही नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो बहुत सारे बच्चे इसी में टिक मार देंगे, या कुछ अगर अंधी चुक्के में चले गए ना कि पता ना सिक्को कॉस पढ़ लिया तो खेल हो गया, 60 आंसर आ गया भाई साहब, आया कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखें, हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उसकी हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे, अब जैसे कि देखो हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो हमसे पूछा जाए साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या है, तो हम सीधे कहेंगे प्लस वन और मिनिमम क्या है, माइनस वन। अच्छा, एग्जाम वाला जानता है कि बच्चे बहुत पहुंचे वाले होते हैं, इसीलिए कई बार क्या करता है वो थीटा की जगह 10 थीटा, एन थीटा, 15 थीटा, 20 थीटा भी लिख देता है। बच्चा ये सोचता है कि एक थीटा में अगर प्लस वन आया है तो 10 थीटा में प्लस 10 आना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ 10 थीटा दुनिया थीटा भी लिखेगा ना तो भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ कितने ही थीटा क्यों ना लिख दिया जाए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें तो पता है कि साइन का मैक्सिमम मान प्लस वन होता है, तो जब प्लस वन होता है तो प्लस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस वन आएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा में अगर आप साइन की वैल्यू माइनस वन ले लोगे तो माइनस वन, साइन को अगर माइनस वन दोगे, साइन का मिनिमम वैल्यू माइनस वन लोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस वन हो जाएगा, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचा देगा। बात समझ में आई, दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करें और माइनस आ जाए, केवल और केवल आयोटा को छोड़ करके। आयोटा एकमात्र एक्सेप्शन है मैथमेटिक्स का, जहां हम स्क्वायर करते हैं और नेगेटिव आता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा करें तो क्या करें हम, तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैक्सिमम, तो किसी भी स्क्वायर फंक्शन की, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, या टेन हो, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई, यानी हम कभी भी स्क्वायर को पॉजिटिव फंक्शन नहीं बोलते हैं। अगर आपने स्क्वायर को पॉजिटिव फंक्शन बोला है, धनात्मक फलन बोला है, तो आप हमेशा गलत बोलते हो। जो जीरो है, जो स्क्वायर है, वो पॉजिटिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव होता है क्या? जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव बोल देंगे तो हमें जीरो छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, यानी गैर ऋणात्मक। जब हम गैर ऋणात्मक बोलेंगे तो हम जीरो भी शामिल कर लेंगे अपने साथ, तो हमारा क्या हो गया, यानी किसी भी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, याद रखिएगा। यानी कभी भी किसी भी फंक्शन के ऊपर इवन पावर लग जाए, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू हो नहीं सकती है, ठीक है। अब मैंने ऐसा पढ़ाया क्यों है आपको, अब इसकी जरूरत क्या थी सीखने की, तो इसकी जरूरत क्या है, चलो समझते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल सीखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मेरे से कह दिया जाए कि बताओ भैया 7 + sin θ का मैक्सिमम वैल्यू बता दो, किसका वैल्यू बता दो, मैक्सिमम बता दो, और क्या बता दो, मिनिमम बता दो। बच्चों ये लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है, 7। अगर ये 7 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि नंबर ना तो कम होता है और ना ज्यादा होता है, इसका मतलब 7 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। इसका मतलब सारी कहानी कौन बिगाड़ रहा है, साइन, ठीक है ना। तो 7 तो 7 रहेगा, और मैक्सिमम करना है तो साइन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दिख रही है आपको, प्लस 1। तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, नहीं आया बच्चों। अच्छा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता तो साइन को मिनिमम करना पड़ेगा, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और जब इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। आया कि नहीं है, आया है नहीं है, एक और देखते हैं, और देखने का सीन हमारा क्या है कि अगर मैं यही क्वेश्चन लिख दूं कि 10 sin² θ, क्या लिख दूं, और फिर आपसे बोलूं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो, तो क्या करोगे, नंबर ना कभी कम हो सकता है और ना कभी ज्यादा हो सकता है, नंबर ना कभी कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। तो जब नंबर ना कभी कम हो सकता है और ना कभी ज्यादा हो सकता है, तो नंबर होगा क्या, तो बच्चे देखो ये तो 10 ही रहेगा। अच्छा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर के फंक्शन का मैक्सिमम मान क्या होता है, प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करता, 10 तो ऐसे रहता, और स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमारा आंसर कितना आता, 10 आता। आया कि नहीं आया समझ में, कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसा आगे बता सकते, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा। तो साइन प्लस वन, माइनस वन,
साइन 10 थीटा या दुनिया का कोई भी थीटा लग जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस वन और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। साइन स्क्वायर थीटा तो कोई भी स्क्वायर फंक्शन है, उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का सीन क्या है हमारा, ठीक है। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम ऐसे देखते हो, अब आपको क्वेश्चन ऐसा लिखा मिलेगा जैसे उसे दे दिया कि भैया देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये दे देगा और आपसे कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो जब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब मिनिमम निकालेंगे तो बाहर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, नहीं समझ आई बात, तो बीच में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। कैसे आएगा क्वेश्चन देखो, समझते हैं हम लोग कैसे आएगा ये क्वेश्चन, थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी, तो तीन का कितना हो जाएगा नौ और चार का आ जाएगा सोलह, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसी के बाद हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। आ गया बच्चों समझ में, ठीक हम आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे ये लिखा हुआ है सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा तो जो बड़ा लिखा हुआ है वो मैक्सिमम, जो छोटा लिखा हुआ है वो मिनिमम, जो बड़ा लिखा हुआ है वो मैक्सिमम, जो छोटा लिखा हुआ है वो क्या है मिनिमम है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कह दूं 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 16 आ रहा होगा और मिनिमम 5 आ रहा होगा, मैक्सिमम 16 आ रहा होगा और मिनिमम क्या आ रहा होगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी मैक्स वैल्यू हमेशा मिलेगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू हमेशा मिलेगी माइनस का 1/2। इसके रेफरेंस में हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि हम कई सारे क्वेश्चन, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा साइन 10 थीटा कॉस 10 थीटा, अब हमसे कहा जाए इसकी मैक्स वैल्यू बता दो और हमसे कहा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, तो मैक्स में क्या इससे नहीं परेशान होना है कि 10 है तो आधा कर दो 5 हो जाए, नहीं, इसका मैक्सिमम 1/2 आएगा और मिनिमम कितना आएगा माइनस 1/2 आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और देखते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं साइन 100 थीटा इनटू कॉस 100 थीटा और फिर मैं आपसे कहूं कि इसकी मैक्स वैल्यू क्या है और फिर मैं इससे कहूं मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्स वैल्यू आएगी प्लस की 1/2 और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस की 1/2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है भाई, प्रयास है कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।